नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। आजकल मऊ की राजनीति दिलचस्प हो चुकी है। आलम यह है कि राजनेता छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे पर जातिसूचक शब्दों से हमला करना भी नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला आजमगढ़ के सपा नेता रमाकांत यादव के बयान से खड़ा हो गया है। एक तरफ आजमगढ़ के सपा नेता रमाकांत यादव ने राजपूत समाज और उनको यह कहकर चैलेंज दे दिया कि राजपूत समाज की मां ने इतना दूध ही नहीं पिलाया है कि वे सामने से लाठी चला सके, और वहीं करणी सेना भारत के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह की मां ने दूध पिलाया हो तो वे निहत्थे महेंद्र चौहान पर वार ना करके हमारे सामने आकर वार करे तो हम जानेंगे कि उनकी मां ने दूध पिलाया है। फिर क्या था, करणी सेना भारत के जिलाध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह परिहार ने कोतवली में जाकर रमाकांत यादव के राजपूत समाज को अपमानित करने और वैमनस्यता फैलाने के लिए रमाकांत यादव के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। वहीं करणी सेना भारत के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने सपा नेता रमाकांत यादव से कहा है कि जहां बुलाना चाहे जगह बताए, हम लोग वहां आने के लिए तैयार हैं। जो भी हो, करणी सेना भारत के जिलाध्यक्ष और सपा ने महेंद्र सिंह के बीच हुए मारपीट के बाद जिस प्रकार नेता निचले स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं, वो भारतीय राजनीति के चरित्र को ठीक नहीं दर्शाता है। तुमको भी बताएंगे, हर बातों को उसके अवगत कराएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि बात चैलेंज अगर करते हैं वो लोग, हमने तो इन लोगों की बहुत लाठियां देखी है। मैंने नहीं देखा कि इनकी मां ने कभी दूध पिलाया हो जो सामने आ खड़े होकर लाठी चला रहे। लेकिन एक सीधे साधे समाज सेवी होने के नाते, अकेला होने के नाते इन लोगों ने जो ये दुर्व्यवहार किया है, मैं कहता हूं कभी अगर मां ने दूध पिलाया तो आके हम लोग सामने लाठी चला के देखें, उनका जवाब देने के लिए हम तो तैयार हैं। अरे महेंद्र जी भी कमजोर, किस लिए आज कोतवाली भी आप लोग आए हैं? क्या मामला है? ओ, रमाकांत यादव के खिलाफ FIR करने आए हैं। राजपूतों को अभद्र भाषा बोलने और दूध मांगने, दूध पिलाया है तो चैलेंज देने के खिलाफ में वो अभद्र भाषा पर FIR करने आए। मैं किस प्रकरण में क्या बोले थे, क्या मामला है? वो आप किसी व्यक्तिगत, मैं तो जात समाज के बारे में नहीं कहीं बोला हूँ। और आप जो भी एक व्यक्ति किसी को गाली देगा तो, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देगा हम लोगों के सामने, तो भाई उसको तो प्रतिक्रिया उसको दिया जाएगा ही दिया जाएगा। उसके खिलाफ में आया था तो उसके खिलाफ रमाकांत यादव बोल रहा था कि उनकी मां ने दूध पिलाया है तो आके हमसे मिले बतावें। हम उनको चैलेंज करते हैं कि उनकी मां ने दूध पिलाया है, रमाकांत यादव की मां ने दूध पिलाया है तो जहां चाहे वहां, मैं उसके लिए उसका चैलेंज स्वीकार है और मैं तैयार हूं उससे मिलने के लिए। अगर वो पर्सनल मिलना चाहे तो मैं रमाकांत और उमाकांत दोनों भाई को, अकेल कुंवर देवेंद्र सिंह परिहार करणी सेना भारत चैलेंज करता है कि जिस चौराहे पर जहां चाहो वहां आके मुझसे तुम मिल लो। कौन है रमाकांत यादव? रमाकांत यादव है, पूर्व सांसद है, भगोड़ा है, सब पार्टियों में रहता है। कभी सपा में जाएगा, कभी बसपा में जाएगा, कभी कांग्रेस में जाएगा, कभी बीजेपी में आएगा, उसका यही चरित्र है।